बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए आज मैं एक सकाफ़ती वर्षा के मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ जो अब नापीद हो चुकी है, क्योंकि अब मौजूदा नस्ल जो है उसमें से 80 से 90% को पता ही नहीं है कि यह क्या चीज़ है। तो आइए अब इसकी तरफ चलते हैं। ये है चरख। पुरानी कुतुब से पता चलता है कि 1234 ईस्वी में चरखा बगदाद में पहले इस्तेमाल हुआ था। बाबल व नैनवा की तहजीब बहुत पुरानी है, चुनांचे चरखा सबसे पहले इराक में ईजाद हुआ और मुसलमान ही इसके मौजूद ठहरे, जबकि यह 1270 ईस्वी में चीन में इस्तेमाल होता रहा है। यूरोप में भी 1280 ईस्वी में इसके इस्तेमाल के शवाहिद मिलते हैं, जबकि हिंदुस्तान में यानी बरेसगीर में इसकी इब्तदा जिला चित्राल में आबाद कहो कबीले से हुई। कहो कबीले ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर वहाँ से ये सकाफ़ती वर्षा पंजाब में मुंतकिल हुआ और घर घर में फैल गया। बरेसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ के खिलाफ आज़ादी की तारीख में भी चरखे का बहुत अहम रोल रहा है। अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में बड़े बड़े लीडरों ने बदेसी कपड़ा पहनने से रोक दिया और आवाम से अपील की कि देश की कपास से बने हुए सूत का कपड़ा पहनना ही हुबल वतनी है। और इस तहरीक में जब बदेसी कपड़े का इनकार हुआ तो अंग्रेज सरकार को बहुत नुकसान हुआ। फिर तकरीबन 1930 ईस्वी की दहाई में महात्मा गांधी को बरोडा जेल में कैद किया गया, तो गांधी ने कैद के दौरान मशक्कत की और चरखा काट कर सूत तैयार किया और फिर इससे लंगोटी और शाल बनवाई। गांधी जी वैसे भी घर में भी चरखा काटते थे, सूत तैयार करते थे और उस सूत से अपनी शाल वगैरह, दरी, कंबल, खेस वगैरह बनवाते थे। तो ये चरखा जो है ये अब नापीद हो चुका है, पुराने लोग जानते हैं। अब जबकि साइंसी दौर आया है।